केंद्रीय वित्त मंत्री अपना पहला बजट पेश कर चुकी हैं। निर्मला सीतारमण ने महिलाओं पर विशेष जोर दिया। उन्होंने नारी तू नारायणी को सरकार का नया नारा बताते हुए महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूती देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के लिए योजनाओं पर भी जोर दिया। स्वयं सहायता समूह में शामिल महिलाओं को मुद्रा योजना के तहत 1,00,000 रुपए तक के लोन की अनुमति दी गई है। हालांकि अतिरिक्त टैक्स में कामकाजी महिलाओं को कोई राहत नहीं दी गई। नारी तू नारायणी, वी बिलीव ऑब्वियसली दिस कंट्रीज ट्रेडिशन हैज बीन नारी तू नारायणी। Swami Vivekananda, in a letter to Swami Ramakrishnananda, had said, "There is no chance for the welfare of the world unless the condition of women is improved." I repeat, there is no chance for the welfare of the world unless the condition of women is improved. It is not possible for a bird to fly on one wing. वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए नारी तू नारायणी का नारा देकर घोषणाओं का ऐलान किया। स्वामी विवेकानंद के उद्धरण का भी निर्मला सीतारमण ने जिक्र किया और कहा कि एक पंख के बिना कोई चिड़िया नहीं उड़ सकती। निर्मला सीतारमण ने कहा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिला की भागीदारी एकदम सुनहरी कहानी है। इस सरकार ने महिलाओं की भूमिका को बढ़ाया है। महिला केंद्रित पॉलिसी के तहत महिला लीडरशिप को आगे लाने की कोशिश की जा रही है। Furthermore, for every verified woman SHG member having a Jan Dhan bank account, an overdraft of 5,000 shall be allowed. Again, one woman in every SHG, which is spread all across the country, one woman in every SHG will also be made eligible for a loan up to 1,00,000 under the Mudra scheme. तो वहीं मुद्रा योजना से स्वयं सहायता समूह में शामिल प्रत्येक महिला को 1,00,000 रुपए तक के लोन की घोषणा, तो वहीं महिलाओं को जनधन खाते में 5,000 तक के ओवरड्राफ्ट की अनुमति दी गई है। न्यूज डेस्क।